इस कंपनी के कर्मचारी ही निकली चोरी की मास्टरमाइंड। भरा ते उसके दोस्तों नाल मिलके बनाया सी चोरी का प्लान। पंजे दोषी गिरफ्तार। पुलिस वालों सुलझाया गया इस चोरी की वारदात। दस दई है कि पिछले महीने चोरों ने जलंधर रोड स्थित फाइनेंस कंपनी के दफ्तर च दाखिल होकर भारी मात्रा में नकदी गहने और कीमती समान चोरी कर लिया। इस संबंध में जदों थाना सिविल लाइन की पुलिस ने दिल्ली के रहने वाले उक्त फाइनेंस कंपनी के मालिक लोकेश के बयान के आधार से केस दर्ज करके चोरी की जांच शुरू की तो खुलासा होया कि इस घटना में उक्त फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली एक औरत कोमलप्रीत कौर ही चोरी की मास्टरमाइंड है, जिससे पुलिस वालों शक किया गया और सख्ती नाल पूछगिछ की गई तो उसने इस चोरी की वारदात को कबूल दिया अपने साथियों बारे पुलिस को सूचित किया, जिससे पुलिस ने कोमलप्रीत कौर के भरा जोबरप्रीत सिंह, रणजीत सिंह उर्फ मनी और दोस्त मनवीर सिंह और हरमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जोबरप्रीत सिंह दसो की गल हो गई, असीं भी चोरी करनी पै गई। भाजी कोई गल नहीं, गलती हो गई साढ़े को। किवें चोरी की थी? कौन कौन आ रही है? अहीं चार जाने भाजी। पुलिस कह रही तुहाडी भैन भी नाल सी? पुलिस महाराज नहीं, झूठ बोलदी पुलिस। जलंधर रोड स्थित कादिया चुंगी विखे एक फाइनेंस कंपनी विचों भारी मात्रा विच नकदी गहने अते होर कीमती समान चोरी हो गया सी। पुलिस ने मौके का जायजा लेके अणपछाते चोरां खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस अधिकारी ने दसिया कि जदों मामले की जांच की गई तो कोमलप्रीत कौर शुरू तो ही छक्की नजर आई, जिथे फाइनेंस कंपनी के दफ्तर का ताला चोरों ने चाबी नाल खोलिया सी, जिसते पुलिस मुलाजमान नूं पहला ही शक सी। दफ्तर विच लगे हुए सीसीटीवी कैमरे चोरी कर ले गए सन। जांच दौरान दफ्तर च काम करने वाली कोमलप्रीत कौर ही मास्टरमाइंड निकली। पुलिस ने कोमलप्रीत कौर नूं उसके भरा अते उसके दोस्त जो कि आपस विच सके भरा हन नूं गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने दसिया कि फिलहाल पुलिस वालों उन्हां कोलों पौने 6 लाख रुपए समेत चोरी किए गए मोबाइल बरामद कर लिए हैं और करीब 7,810 रुपए की बरामदगी होनी बाकी है। उन्होंने दसिया कि एक कंपनी की तिजोरी चुक के अपने घर ले गए सन और उत्थे तिजोरी नूं कटर नाल कट के तिजोरी खाली करके हंसली नाले विच सुट दी गई सी, जो कि बरामद कर ली गई है। इत्थे साडे नाल कादिया रोड ते स्टैंडर्ड फाइनेंस कंपनी है, उत्थे सानूं आई सी कंप्लेंट कि चोरी हो गई है। उन्हें जो सेफ है जिथे का कैश वगैरह हों लेयर बुकों सारिया सारा सेफ ही ना लै गए थे। तो उस तो बाद फिर साड़ी जांच शुरू की, तो मुढ़ली जांच ही सानू पता लगा भी उत्थे एक लड़की काम करती है कोमल, उसकी इनवॉल्वमेंट सामने आई। चलो फिर सख्ती ने कोशिश की तो वो फिर वो भरा से दो गांव उन्होंने दो यार दो सके उन्होंने मिल के तो सारा ये चोरी जी वारदात से कि नुकसान होया कुछ होने को बरामद हो नुकसान तो जेडे एक्चुअली जो मालिक ने इन्होंने लोकेश जी और रेंदे है दिल्ली, तो इतने काम उन्होंने दिता है अपने मैनेजर वगैरह रखे है, तो उन्होंने पूरा आइडिया नहीं उस टाइम के अंदर की है। फिर उन्होंने कहा काफ़ी साड़ी नकदी है तो कुछ गोल्ड है तो अपना लेजर बुक तो फोन वगैरह कुछ सेफ च पे सके। हूँ की कुछ बरामद हो गया जी? असी पांच दोषी पंजे अरैसट कर लिया है। करीब सानू 5.5-6 लाख के करीब करंसी रिकवर हो गई है, मोबाइल रिकवर हो गए ने, बाकी साड़ी तफ्तीश चल रही है। कारण बेसिकली पैसे का लालच आ गया जी। इन्हों मालिक दिल्ली जो मैनेजर से किसी निजी कारण करके इतने नहीं सी, इन्होंने मगरों सारी प्लानिंग करके अंजाम दिता। होर खबरों की जानकारी लिए जुड़े रहो सांझ टीवी के नाल।